अडानी एंटरप्राइजेस का आईपीओ आने वाला है। इनकी कोई और कंपनी है क्या जिसका आईपीओ आने वाला है? क्योंकि ये कंपनी तो लिस्टेड है ना, और मैंने सुना है ये आईपीओ पर डिस्काउंट देने वाले हैं। 31 जनवरी को इनका आईपीओ क्लोज होगा और 1 फरवरी को बजट आने वाला है। क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज इनको सपोर्ट करने वाली है? क्या इस आईपीओ में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? हाय, आई एम प्रियांशी सिक्ची। ऐसे ही कुछ कन्फ्यूजन्स हैं इन्वेस्टर्स के। पहले हम आपको बता दें कि ये आईपीओ नहीं है, एफपीओ है। एफपीओ एज एन फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ये क्या होता है हम कुछ देर में बात करेंगे। इस एफपीओ की साइज है 20,000 करोड़। इतनी बड़ी साइज का आईपीओ आज तक सिर्फ एलआईसी का आया है। पेटीएम का भी इससे कम था, अराउंड 18,300 करोड़। एंड एफपीओ तो इतना बड़ा साइज का यस बैंक का था, जो था अराउंड 15,000 करोड़। और आप सबको पता है यस बैंक का उसके बाद क्या हुआ था। आपको लगता है अडानी एंटरप्राइज के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? कमेंट करके बताइएगा। बट हम आपको आज सारी वैल्यूएशंस बताएंगे, फाइनेंशियल्स बताएंगे, अडानी एंटरप्राइज की सारी चीज़ें बताने वाले हैं, जिससे आपको एंड तक ये तो समझ आ जाएगा कि इस एफपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना है तो किस तरीके से करना है। एफपीओ क्या होता है? जो कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड होती है बट उनको और पैसा रेज करना होता है जनरल पब्लिक से, तो वो इन्वेस्ट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एज वेल एज दूसरे इन्वेस्टर्स को मौका देती है फिर से शेयर्स को परचेज करने के लिए। ये है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। आईपीओ जो होता है वो इनिशियल होता है, ये फॉलो ऑन होता है, इसीलिए इसे एफपीओ कहते हैं। फॉर 1% ऑफ द लिसनर्स जिसको अडानी ग्रुप के बारे में नहीं पता है, अडानी ग्रुप में बहुत सारी यूनिकॉर्न कंपनीज है। अडानी ग्रीन एनर्जीज, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये एक ओजी कंपनी है, 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अडानी एंटरप्राइज के अंडर बहुत सारे सेक्टर्स हैं, माइनिंग सर्विसेज, एडिबल ऑयल एंड फूड्स, वाटर, डेटा सेंटर, इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट, एग्रो, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एंड एरोस्पेस, एयरपोर्ट्स, रोड्स, मेट्रो एंड रेल्स। काफ़ी कैपिटल एक्सटेंसिव बिजनेसेस हैं ये। गौतम अडानी जो वन ऑफ द प्रमोटर है इस कंपनी के, वो वर्ल्ड के 3rd richest मैन हैं और इंडिया के 1st। बट ये इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है आपके इस एफपीओ में हार्ड अर्न्ड मनी को लगाने के लिए, इसीलिए अभी हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। अगर आप इनका रेवेन्यू देखें तो 26% के कैगर पे 2 years से ग्रो कर रहा है, बट वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो रिड्यूसिंग है। वाई? बोरोइंग है तो इंक्रीज्ड है। एज ऑन डेट इनकी बोरोइंग 40,000 करोड़ की है, और ये सिर्फ इस एंटरप्राइज की है। दूसरे ग्रुप्स, अगर कलेक्टिव ग्रुप्स की बात करें तो 1.97 लाख करोड़ की बोरोइंग्स है अडानी ग्रुप की। अगर इन्होंने इतना डेट लिया है, डेट लेना बुरा नहीं है, पर क्या रिटर्न ऑन दिस कैपिटल एम्प्लॉयड इज गुड? अगर हम फाइनेंशियल रेशियोज की तरफ चले तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज 4%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 7.28%। मतलब कि डेट का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। जहाँ इंडस्ट्री P/38 है, वहीं इनका P/324 है। मतलब जो मार्केट प्राइस है शेयर का, वो 324 times महंगा है। इनके इतने डेट एक्सटेंसिव बिजनेस ऑलरेडी है, तो फिर ये एफपीओ क्यों? कि ऑलरेडी डेट है कंपनी के पास, तो फिर से जनरल पब्लिक के पैसे से ये क्या करने वाले हैं? इस एफपीओ का पैसा कुछ नए बिजनेसेस में लगाने वाले हैं, स्पेशली ग्रीन एनर्जी, कुछ अमाउंट से लोन रीपे करने वाले हैं, एंड कुछ अमाउंट को नॉर्मल वर्किंग कैपिटल के लिए यूटिलाइज करने वाले हैं। अब फाइनेंशियल्स तो सो है, पर इन्वेस्टर्स के लिए फिर क्या है इस एफपीओ में जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इस एफपीओ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? इन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए रिटेल डिस्काउंट रखा है 64 rupees per share का, एंड दिस शेयर्स आर पार्टली पेड शेयर्स। मीनिंग अगर 20,000 करोड़ का जो एफपीओ है उसमें से ये अभी सिर्फ 10,000 करोड़ ही कलेक्ट करने वाले हैं, विद इन नेक्स्ट 18 months रिमेनिंग 10,000 करोड़ ये क्लेम करेंगे एनी टाइम। इससे इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट है? इन्वेस्टर्स को बेनिफिट है क्योंकि इस शेयर प्राइस को लॉक कर दिया जाएगा, मतलब इसी प्राइस पे फ्यूचर तक में आपको पूरा शेयर मिलेगा। हाउएवर इसका आधा अभी आपको देना पड़ेगा और आधे अमाउंट को आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि अगर आपने ऑलरेडी अडानी एंटरप्राइज में इन्वेस्ट कर रखा है तो उन शेयर्स का क्या होने वाला है? डोंट वरी, इन शेयर्स का ISIN नंबर डिफरेंट होगा जो करंट एफपीओ आने वाला है उन शेयर्स से, इसीलिए ये शेयर्स और वो शेयर्स विल बी इन डिफरेंट नंबर्स। बट हाँ, आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स नहीं है,
कंसिडरिंग कि FPO में आपको अलॉटमेंट मिल जाए और अभी आप शॉर्ट सेल कर दें, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज ISIN नंबर इज डिफरेंट. सो फाइनली अब आपको डिसाइड करना होगा कि इस FPO में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है. इस FPO में आप इन्वेस्ट करें उसके पहले दो बात समझ लीजिए. व्हेनेवर इतनी बड़ी साइज का IPO या FPO आएगा तो अलॉटमेंट मिलना इज लाइक नेचुरल, क्योंकि इतना बड़ा साइज है कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा. एंड सेकेंड ये कि कुछ टाइम तक मार्केट ड्राई आउट हो सकता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल हियर. और स्क्रीन पे दी गई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, आप यहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं.